फ्रेंड्स वॉच फुल वीडियो केयरफुली एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और उसके साथ वाले बेल आइकन को भी क्लिक जरूर करिए, इससे आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस रेगुलरली मिलती रहेगी। आइए देखते हैं नोमोनिक विषुवतीय खमद्य प्रक्षेप कैसे बनाए जाते हैं। यह प्रक्षेप नोमोनिक खमद्य प्रक्षेप की विषुवतीय दशा है जिसकी रचना में यह कल्पना कर लेते हैं प्रक्षेप का तल ग्लोब को भूमध्य रेखा पर किसी निश्चित बिंदु पर स्पर्श करता है तथा प्रकाश स्रोत की स्थिति ग्लोब के केंद्र पर होती है। सवाल है 60 डिग्री पश्चिम से 60 डिग्री पूर्व के मध्य स्थित क्षेत्र के लिए एक नोमोनिक विषुवतीय खमद्य प्रक्षेप की रचना कीजिए जिसका आरएफ 1:20 करोड़ एवं अंतराल 15 डिग्री हो। तो देखिए आरएफ दिया है 1:20 करोड़ और अंतराल है 15 डिग्री का, तो इसमें क्या करना है, हमें केवल एक ही कैलकुलेशन करनी है आर निकालने की। इसका आर निकालेंगे, आर निकालने के लिए 63,50,00,000 में भाग दे देंगे और आरएफ लिखेंगे यहां पर 20 करोड़। जब इसे काटेंगे तो देखिए ये जीरो के जीरो ऐसे ही कट जाएंगे और इनको काटने पर हमारा आंसर आएगा 3.17 सेंटीमीटर। तो कैलकुलेशन केवल हमारी आर निकालने की ही है। तो देखिए आर हमारा निकला है 3.17 सेंटीमीटर, क्षेत्र है 60 डिग्री पश्चिम से 60 डिग्री पूर्व और अंतराल है 15 डिग्री का। देखिए इसको बनाएंगे कैसे, सबसे पहले हमें 3.17 सेंटीमीटर की यहां एक रेखा खींचेंगे और इस पर लंब डालकर इसे अर्धचाप द्वारा मिला लेंगे। देखिए अब क्या करना है कि 60 डिग्री बताया जा रहा है, अंतराल है 15 डिग्री का, तो हमें 15 डिग्री के अंतराल पर 60 डिग्री तक कोण इस पर खींच लेना है। तो हम क्या करेंगे, एक खींचेंगे 15 डिग्री का, फिर 30 डिग्री का, फिर 45 डिग्री का और फिर 60 डिग्री का। तो इस प्रकार से हमने ये खींच लिया है, ये है 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री का, ये हमने कोण बना लिया। इतना होने के बाद आगे क्या करना है कि इस जगह से एक हमें सीधी लाइन इस तरह से खींच लेनी है। तो इस पर लंब एक डाल देंगे इस तरह से और इसके बाद ये जो कोण गया हुआ है 15 डिग्री का, इसको डॉटेड लाइन में आगे तक इससे बढ़ा देंगे, इसी को भी इसी तरह से बढ़ा देंगे। तो देखिए हमने 60 तक बढ़ा दिया है इन लाइनों को, इसको हम नाम दे देते हैं ई। चलिए इसको ई नाम से हम संबोधित करेंगे इस लाइन को। आगे क्या करना है, इस लाइन को भी आगे तक बढ़ा देना है। अब इस पर क्या करेंगे, ये जो हमने 15 डिग्री का कोण बनाया है, जो छोटी सी दूरी इसमें आ रही है, उस दूरी को प्रकार में लेंगे और यहां से एक बिंदु निशान बना लेंगे इस प्रकार। इसी तरह से आगे देखिए ऊपर जो 30 डिग्री का ये जो डॉटेड लाइन जा रही है, डॉटेड वाली लाइन को प्रकार में लेंगे और यही ई से ही इसके आगे भी बिंदु बना लेंगे। तो सारा काम यहां इस बिंदु से ही करना है, 45 डिग्री की ये दूरी लेंगे और इस तरह से निशान बना लेंगे और अंत में 60 डिग्री वाला जो डॉटेड लाइन है इसको भी प्रकार में लीजिए और ई बिंदु पर इस जगह पर रख कर एक निशान इस तरह से बना लीजिए। अब क्या करेंगे कि ये जो बिंदु बन गए हैं इनको चलिए हम एक नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। हमें आगे क्या करना है, इन सभी बिंदुओं पर सीधी लाइन से ऊपर तक खींच लेंगे।
इस प्रकार। इतना होने के बाद आगे क्या करेंगे, ये जो डॉटेड लाइन यहां तक आ रही है 15 डिग्री के कोण जिधर से जा रहा है ये बिल्कुल उसी तरह से आगे बढ़ाते हुए इससे मिला देंगे। इसी प्रकार 30 डिग्री वाला कोण भी आगे बढ़ाते हुए इन बिंदु की लाइनों से ऊपर तक मिला देंगे इस प्रकार। इसी प्रकार देखिए 60 डिग्री वाला जो कोण है इसको भी बिंदु आगे बढ़ाते जाएंगे और इसको मिला देंगे। इसमें हमें यह देखना होगा कि 60 डिग्री का जो कोण आगे जा रहा है संभवतः हो सकता है कि डी बिंदु वाले रेखा पर वो काफी दूर पर ऊपर जाकर मिले, इसलिए 60 डिग्री का कोण हम बिंदु सी तक ही निर्धारित रखेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। एक तो डायग्राम हमारा ये बन गया है। चलिए इसकी सहायता से हम नॉमोनिक विश्वतीय खमद प्रक्षेप बनाएंगे कैसे। सबसे पहले एक सीधी लाइन इस तरह से खींच लीजिए और एक वर्टिकल लाइन इस तरह से खींच लीजिए। अब देखिए ई बिंदु पर जो निशान बने हुए हैं ये वाले, चलिए हम इनको एक नाम दे देते हैं 1, 2, 3 और 4। तो ई वाली लाइन पर जो ये बिंदु 1 बना है, 2 बना है, 3 बना है और 4, ये ई जहां से यहां तक जो दूरी गई हुई है ये पूरी दूरी ई वाली, ये पूरी दूरी लेंगे और इनको बिल्कुल इस प्रकार रखकर निशान लगा लेंगे। तो देखिए जैसे हमने ई बिंदु पर, ई बिंदु से 1 यहां तक है तो हम इसको भी नापेंगे और इस पर इस तरह से काट लेंगे। इसी प्रकार बिंदु 2 से ई बिंदु तक इसकी दूरी लेंगे और इसे सेंटर मानकर ये दूसरे बिंदु भी काट लेंगे। चलिए इसको हम नाम दे देते हैं ई। ई बिंदु हमारा ये है और हमने ये 1 बना लिया, ये 2 बना लिया। इसके बाद 3 नंबर बनाना है ई से, तो बिल्कुल इसी तरह से ई से हम तीसरे बिंदु तक की दूरी लेंगे और ई पर रखकर इस तरह से निशान तीसरे बिंदु का लगा लेंगे। इसी प्रकार चौथे बिंदु के लिए, ये चौथा बिंदु है, चौथे से ई तक की दूरी को प्रकार में लेंगे और ई बिंदु पर रखकर इस तरह से निशान लगा लेंगे, तो इस प्रकार ये बन जाएगा। तो हमने देखिए ई बिंदु से शुरुआत करके 1, 2, 3, 4 बिंदु बनाए हैं। इसी प्रकार ये ई बिंदु से शुरुआत करके 1, 2, 3, 4 बिंदु बना लिए हैं। अब यही दूरी, बिल्कुल सेम यही दूरी होगी ई बिंदु से इसके इधर भी और फिर ऊपर भी और नीचे भी। दूरी केवल ई बिंदु वाली होगी और ये जितनी भी दूरी है, जितने भी बिंदु इस पर कटे हैं, यही वाली बिंदु आपको नीचे, इधर और ऊपर बना लेनी है। इतना होने के बाद आगे क्या करना है, ये जो बिंदु बने हैं इन पर हम ऊपर लंब डाल लेंगे इस प्रकार। और इसी प्रकार दक्षिण की ओर भी लंब डाल लेंगे। बिल्कुल यही प्रक्रिया इधर भी करनी है। इस बिंदु पर जो 1 नंबर है इस पर लंब डालेंगे, 2 पर डाल लिया, अब 3 पर डालेंगे और 4 पर भी इसी प्रकार से लंब डाल लेंगे। इसी प्रकार दक्षिण की ओर भी इसी के समानांतर लंब खींच लेना है, बिल्कुल इस प्रकार। अब यहां पर जो चौथा बिंदु है इससे एक क्षैतिज रेखा द्वारा इसको इस प्रकार से मिला देंगे। इसी प्रकार उत्तर की ओर भी इस क्षैतिज रेखा द्वारा मिलाते हुए खींच लेंगे। आगे क्या करेंगे, इसको 0 डिग्री लिख देंगे। ये है 15 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये है 45 डिग्री और ये 60 डिग्री का बना हुआ है। इसी प्रकार इधर भी हम लिख देंगे 15, 30, 45 और 60 डिग्री का होने के बाद। अब देखिए 0 डिग्री पर तो ये बिंदु बने हुए हैं, इस 15 डिग्री पर हमें कौन से बिंदु बनाएंगे,
जो ये ए बिंदु वाली रेखा गई हुई है, चलिए इस पर भी नाम दे देते हैं, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर और चार नंबर। तो ए बिंदु का जो एक नंबर है इसको प्रकार में लेंगे ए बिंदु को, और 15 डिग्री वाले इस जगह पर रखकर एक निशान लगा लेंगे इस प्रकार। इसी प्रकार ए से दूसरे बिंदु पर प्रकार में लेंगे इस प्रकार से, और यहां पर निशान लगा लेंगे दो नंबर। देखिए बिंदु यहां पर प्रकार रख के ऊपर दूसरा बिंदु बना लेंगे। इसी प्रकार देखिए ए पर प्रकार रखकर तीसरा बिंदु यहां पर है, तो इसको प्रकार में इस तरह से रखेंगे और यहां रख के इस तरह से निशान लगा लेंगे इस प्रकार। तो ये तो हमने ऊपर इस जगह पे बांटा है, इसी तरह से हम नीचे भी बांटेंगे और इधर भी 15 डिग्री पर ऊपर की ओर और नीचे की ओर इसी प्रकार के बिंदु बना लेंगे। देखिए नापना इसी जगह से है, ए बिंदु से एक नंबर तक प्रकार की दूरी लेंगे और इस प्रकार यहां पर रखकर इस तरह से निशान लगा लेंगे। देखिए जिस तरह से ये लगाया, इस प्रकार से 15 डिग्री पर हमने इस खाने में, इस खाने में, इस खाने में और इस खाने में, चारों खाने में हमने निशान लगा लिए हैं। इसी प्रकार देखिए बी जो लाइन गई हुई है, बी जो रेखा गई हुई है, बी वाले को भी इस तरह से ये जो 15 डिग्री पर जा रहा है, ये जो काटा है, इसको बी वाले से 15 की दूरी को प्रकार में लेंगे और इस तरह से इस पर दो नंबर वाले पे रख के इस तरह से निशान लगा लेंगे इस प्रकार। तो इसी प्रकार बी सी और डी यानी कि 30, 45 और 60 डिग्री पर इन चारों खानों में इनकी दूरियों के ये दूरियां ली जाएंगी और इस तरह से यहां से इस तरह से निशान बन जाएगा। तो इसी प्रकार ये वाली दूरी लेकर यहां पर हमने निशान लगा लिया, फिर यहां से ये दूरी लेंगे, फिर यहीं से ऊपर जाएगा और फिर यहां से ये वाली दूरी लेंगे और यहां से आगे ये वाला मिल जाएगा। तो इस प्रकार सभी पर हम निशान लगा ले। तो इस प्रकार से ये सभी बिंदु हमने बना लिए हैं। आगे क्या करना है, फ्रेंच कर्व की सहायता से आप इन सभी बिंदुओं को एक साथ मिला दीजिए। अगर फ्रेंच कर्व आपके पास नहीं है तो एक रिफिल लेंगे और रिफिल को इस प्रकार से बेंड करके इस तरह से इसको मिलाते हुए हम इस प्रकार खींच लेंगे। तो जब इसे मिलाएंगे तो ये हमारा इस तरह से बन जाएगा। और इसी प्रकार उत्तरी गोलार्ध में भी इस तरह से बिंदु मिला लेंगे और ये बन जाएगा। इन बिंदुओं को मिलाते हुए खींचना है तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा नौमोनिक विषुवतीय खमज प्रक्षेप। आगे क्या करना है, ये हमारा 0 डिग्री है, ये 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, इसी प्रकार दक्षिण की ओर भी 15 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री का ये कोण खींच लेंगे। तो ये तो नॉर्थ शो करेगा, ये साउथ शो करेगा, ये ईस्ट शो करेगा और ये वेस्ट शो करेगा। तो देखिए हमारे पढ़ने के लिए जो क्षेत्र 60 डिग्री पश्चिम से 60 डिग्री पूर्व बताया गया है, यहाँ पर 60 डिग्री से 60 डिग्री पूर्व तक का ये क्षेत्र बनाया गया है और यहाँ पर इसके ठीक ऊपर लिखेंगे जो भी आरएफ दिया है, आरएफ 1:20। ये भूमध्य रेखा है तो यहां पर लिख देंगे भूमध्य रेखा।